नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। फिर एक बार यूपी के जंगलराज में हुई वारदात। वहां के एक पत्रकार को जिंदा जलाकर मारने की गई कोशिश। वैसे ये नई बात तो नहीं है, यूपी में आए दिन हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक और नए नए अपराध जन्म लेते हैं। बात करते हैं अब पत्रकार पर हुए हमले की। यूपी के बलरामपुर में 27 नवंबर की रात एक पत्रकार और उसके साथी को उन्हीं के घर पर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। जबकि पिंटू साहू की जगह पे ही मौत हो गई थी। और कैसे, राकेश निर्भी ने अस्पताल में बताया कि उनको मारने की गई थी कोशिश। जहां पर सच लोगों को दिखाना बन गई है मुश्किल की बात, पत्रकार सच दिखा रहे हैं। एक तो उनको जिंदा जलाया जाता है या मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। पर ये सब खुलासे के बाद भी दिल्ली में बैठे भोपू मीडिया के दलाल दंगाई पत्रकारों पर है कि पत्रकारों की हत्या के बाद भी वो नहीं जाग पा रहे हैं, जबकि इन्हीं पत्रकारों के जरिए वो खबरें कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं बलरामपुर की, जहां हत्या के आरोपी ललित मिश्रा और केवानंद मिश्रा, इन्होंने अकरम अली उर्फ अब्दुल कादिर के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वही इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। पर बात वही है, आखिर सरकार क्या कर रही है और दिल्ली में बैठी भोपू मीडिया कैसे ऐसी वारदातों के लिए सोई हुई। जब ये लोग शराब पी करके ये लोग बेसुध से हो गए, उसके बाद फिर इन लोगों ने जो कमरे का दरवाजा था उसको बाहर से बंद किया और अकरम को और ललित को इन्होंने बुलाया। और अकरम चूंकि फायर टेक्निक्स के अंदर ये मास्टर था, उसने अपने पास जो सैनिटाइजर होता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है, उसका प्रयोग करके इन लोगों के ऊपर छिड़क करके इस घटना स्थल को देख करके ये लग रहा था कि जो मुलजिम है उन लोगों ने ये प्रयास किया कि इस घटना को एक वो दुर्घटना का रूप दे दें। लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी ऐसी चूके कर दी जिसकी वजह से वो जो घटना दुर्घटना होनी चाहिए थी वो साफ लग गया कि इसमें किसी की साजिश है। जब पूछताछ इसमें शुरू की तब इसके अंदर रंजिशों का एंकिल निकल करके आया। राकेश सिंह निर्भीक एक पत्रकार थे और काफी निर्भीक पत्रकार थे, तो उन्होंने कई बार ऐसा था कि कई लोगों के खिलाफ लिखा था। और अभी हाल में ही उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था कि जो उनके गांव के प्रधान थे उनके खिलाफ ये लिख रहे।